नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण वीडियो के बारे में। जी हाँ, बहुत कुछ इम्पोर्टेंट इस महीने होने वाला है जिसका सबसे ज़्यादा इंतजार कर रहे हैं विद्यार्थी, BSTC एग्जाम 2022। काफ़ी सवाल यहाँ पे चल रहे हैं कि फोरम कब से चालू होंगे। फोरम 10 अगस्त के बाद में शुरू होने का यहाँ पे नोटिस आया था कि 10 अगस्त के बाद में फोरम शुरू हो जाएंगे। तो जैसे ही नोटिस आएगा तब आपको वीडियो मिल जाएगा उसके लिए कि भाई कब फोरम शुरू हो रहे हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, परीक्षा को लेकर आपको यहाँ पे बता दिया गया है कि सितंबर में आपकी परीक्षा होगी। बिल्कुल BSTC 2022 की जो एग्जाम है आपकी होने वाली है सितंबर में। लेकिन अब क्या फोरम का इंतजार करें? फोरम जब तक आएंगे तब तक काफी लोग विद्यार्थी यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, डेली क्लासेस ले रहे हैं, कोचिंग क्लासेस ले रहे हैं, कोई कैसे पढ़ रहा है, कोई सेल्फ स्टडी कर रहा है। तो सभी अपना अपना यहाँ पे कुछ ना कुछ कर रहे हैं। फोरम का इंतजार काफी विद्यार्थी कर भी रहे हैं कि फोरम आने के बाद में तैयारी करें, तो उससे पहले आपको तैयारी करनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। जैसे ही फोरम चालू होंगे उसके बाद में फोरम लगाना है, तैयारी करते रहें। आपको पता ही है कि सितंबर में एग्जाम होने वाला, तो कुछ जरूरी अपडेट्स। BSTC का जो एग्जाम होता है इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? देखो, सबसे बड़ा विश्लेषण तो यही होता है एक तरीके से BSTC का, कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट दिए होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि सभी सब्जेक्ट्स में सभी विद्यार्थी माहिर हों। तो कौन सा सब्जेक्ट आपका कितना समय आप दें जिससे आपका क्रैक हो जाए, क्योंकि BSTC में आपके लिए इंपॉर्टेंट है सीट। हाल ही में आपने देखा होगा PTT का जो एग्जाम आयोजित हुआ, PTT में क्या हुआ कि पहले पेपर आसान आता था, लेकिन इस बार क्या हुआ, पेपर इस बार हार्ड आया। PTT का जो है पेपर था इस बार हार्ड आया, GK का जो पोर्शन था उसमें हार्ड देखने को मिला। लेकिन इस बार क्या होगा, अब कन्फ्यूजन इस बार ये BSTC को लेकर भी, क्या पेपर हार्ड आएगा? तो देखिए, बिल्कुल पेपर हार्ड इतना आता नहीं है BSTC का। कुछ जरूरी चीज़ें जो यहाँ पे होने वाली हैं BSTC को लेकर, मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप तैयारी करें, क्या पढ़ें कि आपके अच्छे नंबर आए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ लाइन, BSTC आसान, बस करना है काम। हाउ टू क्रैक BSTC, BSTC में आपके लिए सीट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में आप टीचर बनने का जो सपना देख रहे हैं उसके लिए आपके यहाँ पे BSTC आप कोर्स करेंगे, उसके बाद में आप अप्लाई कर पाएंगे जो वैकेंसी होती है उसके लिए, टीचर बनने के लिए। तो ध्यान रखें BSTC को कैसे पास करते हैं, इसके लिए मैं कुछ जरूरी टिप्स आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। आप वीडियो आप अंत तक देखेंगे, तथा जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, तो बेल आइकन प्रेस करें। तो बात करते हैं BSTC के बारे में। देखो भैया, यहाँ पे क्या होता है, कुछ चीज़ें होती हैं सब्जेक्ट्स को मैं आपको बता देता हूँ। एक हिंदी होता है, एक संस्कृत होता है, एक होता है इंग्लिश, एक होता है रीजनिंग, एक होता है टीचिंग एप्टीट्यूड, एक होता है GK। GK को सबसे लास्ट मैंने लिखा है, उसका कारण है ये भी बताऊंगा आपको मैं। ध्यान देखें, हिंदी और संस्कृत, इसके कितने क्वेश्चन आएंगे आपके? 30 क्वेश्चन आएंगे। या तो हिंदी करो या संस्कृत करो, एक चीज ध्यान रखेंगे, या तो हिंदी करो या संस्कृत करो, दोनों में से एक ही सब्जेक्ट आप कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे 20 क्वेश्चन आएंगे किसके, इंग्लिश के, ये आपको करने ही है। यानी कि इसमें ऐसा चूज करने जैसा कुछ नहीं कि हिंदी या संस्कृत में से जैसे आपको एक करनी है वैसे आपको इंग्लिश के लिए कुछ मिल जाए, नहीं, आपको इंग्लिश करनी ही पड़ेगी। आप करेंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे, नहीं करेंगे तो आपके पेपर में ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा। बात करें रीजनिंग की, 50 क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन और GK के 50 क्वेश्चन। अब देखो आपके टोटल क्वेश्चन हो गए 200 क्वेश्चन, 600 नंबर का आपका पेपर होगा। आसान यही है कि आपको 450 के आसपास आपके नंबर आए तब कहीं जाके आपके सीट सिक्योर हो जाएगी कि आपके यहाँ पे BSTC में आपको सीट मिल जाएगी 450 अगर नंबर आ रहे। तो उसके बाद में तो नीचे आने वालों को तो रिस्क ही रहता है कि वो देखते रहते कितनी कट ऑफ चाहिए, कितने नंबर आने चाहिए, उसके हिसाब से उनको कन्फ्यूजन चलता रहता है। लेकिन आपके अगर 400 से ऊपर नंबर आ जाते हैं तो आपका श्योर हो जाता है कि आपको यहाँ पे सीट मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाती है। अब देखो पढ़ना कैसे है, या तो हिंदी या संस्कृत में से आप एक चीज़ पढ़े जो आपको करनी है, कि आपको लगता है कि मैं संस्कृत में ठीक हूँ या फिर हिंदी में ठीक हूँ। तो हिंदी के जो जनरल जो आपकी व्याकरण होती है बहुत सिंपल आती है, इतनी हार्ड नहीं आती है। आपको लगता है संस्कृत है तो संस्कृत कीजिए, लेकिन मैं कहूँगा आपको हिंदी आती है तो हिंदी लीजिए, आप वहाँ पे ठीक रहेगी। संस्कृत में कंपटीशन थोड़ा कम है तो संस्कृत भी ले सकते हैं, लेकिन आपको आना चाहिए संस्कृत। ऐसा नहीं है कि ले लिया भाई कंपटीशन नहीं है लेकिन वहाँ पे आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहे, तो ये ध्यान रखें। 30 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाले हैं। बात करें इंग्लिश की, तो वही यहाँ पे आपके सवाल बहुत अच्छे सवाल आने, छोटे छोटे सवाल आने वाले हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इस टाइप्स के इनडायरेक्ट स्पीच वगैरह, ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपके ग्रामर से रिलेटेड होते हैं। सारे वीडियो आपको आने वाले समय में मिल जाएंगे, मैं एक पेपर सोल्व करवा भी दूंगा BSTC का जो पहले आया था, उसका वीडियो भी आपको अवेलेबल करवा दूंगा कि पेपर पूरा ऐसे इस हिसाब से आते हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन 20 क्वेश्चन जो आएंगे ये आपको करने और सिंपल आएंगे, तो थोड़ा सा समय आपको इंग्लिश को भी देना है, अभी जब से फोरम चालू हो जाए उससे पहले पढ़ लेना या फिर फोरम चालू होने के बाद में इंग्लिश। तो दोनों हैं हिंदी और इंग्लिश के, टोटल 50 क्वेश्चन हो गए, सिंपल आते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं आने वाला है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे, GK को मैं बता देता हूँ बीच में, कुछ भी पता नहीं है 50 क्वेश्चन में से कहाँ से क्वेश्चन आएगा,
कुछ भी नहीं पता कि जीके कहाँ से आएगा, कौन सा क्वेश्चन आएगा, किस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, कुछ भी पता नहीं होता। तो जीके को आप थोड़ा सा डेली डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ें, करंट जीके पढ़ते रहें, ध्यान रखें। लेकिन जीके में कंफर्म नहीं होता कि 50 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, लेकिन यहाँ पे कंफर्म है कि इसमें एक्टिव पैसिव वॉइस का क्वेश्चन आएगा, इसमें व्याकरण से क्वेश्चन आएगा, शुद्ध शुद्धि का क्वेश्चन आएगा, तत्सम तद्भव का क्वेश्चन आएगा, ऐसे बहुत से क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। पिछले पेपर आप उठा के देखेंगे तो उसमें पता भी चल जाएगा। तो ये चीज आपको ज्यादा पढ़नी है, यहाँ पे थोड़ा कम समय देना है। अगर आपको लगता है कि जीके में मैं 50 में से 50 कर दूंगा, तो ये मुझे लगता नहीं है कि ऐसा हो सकता है। आप पढ़ेंगे काफी समय में, लेकिन क्वेश्चन फिक्स नहीं है कि आपके इतने आ जाएंगे, कौन सा क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, बात करें रीजनिंग की। अब देखो रीजनिंग में चैप्टर क्लियर होने होते हैं, आपको सिलेबस देखना है, बीएसटीसी का सिलेबस क्या है, बीएसटीसी में किस कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, जैसे वेन आरेख हुआ, कैलेंडर हुआ, इस हिसाब से क्वेश्चन। तो कैलेंडर के जितने भी क्वेश्चन होते हैं आपको सोल्व करने हैं, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी संख्या बदल दे, आपको कैलेंडर आ गया तो सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, सीधी सी बात है। ऐसे वेन आरेख में से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो चैप्टर क्लियर करना है तो आपके क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि एक गाइड ले लिए उसमें से वेन आरेख के 2 क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद में और किसी चैप्टर को कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। सारे चैप्टर बाद में पढ़ें, पहले सिलेबस निकालें, सिलेबस में देखें कि 15 चैप्टर मान लो कि आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं, 20 आ रहे, जितने भी आ रहे हैं, तो टारगेट करें कि मेरे को एक दिन में एक चैप्टर क्लियर करना है। तो एक चैप्टर को आप उठा लेंगे बीएसटीसी के लिए, ध्यान रखें। आपने अगर 15 चैप्टर क्लियर कर दिए तो आपके रीजनिंग में यहाँ से 50 में से 40 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से चैप्टर ऐसे होते हैं जिसमें से एक चैप्टर में से 3-3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, और कुछ में ऐसा होता है कि एक भी क्वेश्चन नहीं मिलता। तो ये ध्यान रखेंगे, रीजनिंग को आप ज़्यादा समय देंगे क्योंकि ये प्रैक्टिस बेसिस है। जितना आप चैप्टर को क्लियर करेंगे उसी से आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा, और एक चैप्टर से कैसा भी क्वेश्चन आए आप सोल्व कर देंगे अगर आपके चैप्टर क्लियर है तो पूरा। तो ध्यान रखें रीजनिंग को ज़्यादा समय देना है, पहली प्रायोरिटी आपकी यहाँ पे ये होनी चाहिए। इन 5ों सब्जेक्ट्स में सबसे ज़्यादा समय आप देंगे रीजनिंग को, क्योंकि यहाँ पे आपको कन्फर्म पता है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है, वेन आरेख का क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आता है, तो उसमें से आपको पता है कि ऐसा हो जाएगा। वेन आरेख के जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, कोई भी गाइड उठा लेंगे, वेन आरेख का सोल्व कर दीजिए, एसएससी लेवल का वेन आरेख उठा लीजिए, 10th 12th वैकेंसी का कोई भी, 10th 12th जो पास की जो वैकेंसी होती है उसका आप वेन आरेख का क्वेश्चन उठा लीजिए, वेन आरेख की सीरीज पूरी पढ़ दीजिए कि हाँ ये आ गया। तो ऐसे ही चैप्टर के वाइज हिसाब से आपको पढ़ना है, तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, अच्छे से नंबर मिलेंगे, याद है 45 तक के क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाते हैं। पीटीटी में भी यही हुआ, पीटीटी में काफी रिजल्ट्स मैंने देखे, तो वहाँ पे 150 में से मतलब रीजनिंग में से 150 में 140 नंबर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बाकी जो सब्जेक्ट थे उसमें नंबर नहीं आ रहे, यहाँ पे 60-70 ही आ रहे हैं जीके में, क्योंकि यहाँ पे फिक्स नहीं होता कि कहाँ से आएगा क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पे फिक्स होता है कि रीजनिंग में क्वेश्चन ये आएगा, इंग्लिश में क्वेश्चन यहाँ से आएगा, हिंदी में क्वेश्चन आएगा, चैप्टर्स पे डिपेंड करता है सारा। ऐसे ही बात करें टीचिंग एप्टीट्यूड, ये 50 क्वेश्चन यहाँ पे आप कम से कम 40 क्वेश्चन, 40 से 45 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर जाएंगे, ध्यान रखें। टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आता है कि सारे क्वेश्चन सही होते हैं, उसमें जो ऑप्शन होते हैं सारे सही होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या होता है कि पहले कौन सा सही आएगा ये देखना। एक चीज आपको बता देता हूँ, टीचिंग एप्टीट्यूड में जिस भी क्वेश्चन में उपरोक्त सभी आए, उपरोक्त सभी आएगा उत्तर, ये देख लेना। 4 से 5 क्वेश्चन इसके देखने को मिलेंगे, पिछला पेपर आप सोल्व कर लेना, उसमें भी आपको 5 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, कम से कम बता रहा हूँ 5 क्वेश्चन आपको उसमें मिलेंगे ऐसे, और 5ों का उत्तर वहाँ पे उपरोक्त सभी जिसमें भी है वो ओके है। मैं देख के बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने बीएसटीसी के पिछले पेपर्स देखे हैं, पिछले जब भी देख रहा था मैं प्रीवियस ईयर के पेपर, जब वीडियो बनेंगे प्रीवियस पेपर पे, तो क्या देखना है उसमें, ये मैंने ये देखा कि उपरोक्त सभी के क्वेश्चन लगभग लगभग सही होते हैं, और ये 5 से 6 क्वेश्चन आपको हर पेपर में मतलब कि देखने को मिलते हैं बीएसटीसी के में, तो आपको ध्यान रखना है। टीचिंग एप्टीट्यूड को मैं आपको स्पेशली बता रहा हूँ, इसको ज़्यादा समय आप रीजनिंग से थोड़ा कम समय देंगे, लेकिन इसको 50 अगर इसको थोड़ा भी समय दे दिया आपने, कोई भी आप टीचिंग एप्टीट्यूड का कैसे भी कुछ भी उठा लीजिए, गाइड पढ़ लेंगे कोई भी टीचिंग एप्टीट्यूड की, ध्यान रखें उससे क्वेश्चन आपका सेम टू सेम मिल जाएगा पूरा एक तरीके से, मतलब हर एग्जाम में टीचिंग एप्टीट्यूड सेम होता है, इसमें कोई लेवल हार्ड या डाउन जैसा कुछ नहीं होता कि भाई कहीं पे वीक हो कहीं पे हार्ड हो, ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान रखेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड बेस्ट, टीचिंग एप्टीट्यूड से आपके सबसे ज़्यादा नंबर इससे आ सकते हैं। रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड में जिसके ज़्यादा नंबर आएंगे वही 450 तक पहुँच सकता है, ये ध्यान रखो। आप फोकस करेंगे जीके को तो यहाँ पे आपके श्योरिटी नहीं है कि 50 क्वेश्चन आपके यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, आपको कोई श्योरिटी हो कि मैंने 10 क्वेश्चन भी मेरे को पता है कि इसमें से आ जाएगा, ऐसा नहीं है, कोई भी चैप्टर क्लियर नहीं है। लेकिन रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड ऐसे हैं दोनों में से कि आपको इसके चैप्टर्स के हिसाब से आपको मिल जाते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड पर मैं आपको क्लासेज अवेलेबल करवा दूंगा, डेली क्वेश्चन करवाऊंगा आपको आने वाले समय में, जैसे फॉर्म चालू होंगे उसके बाद में आपको क्लासेस डेली मिलेंगी, ये ध्यान रखें। एक ही चैनल है अपना कोटपुतली एजुकेशन, इसी पे क्लासेज आपको अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी टीचिंग एप्टीट्यूड की और रीजनिंग की, ध्यान रखें। जीके के भी मैं आपको करंट जीके से रिलेटेड कुछ अवेलेबल करवाऊंगा, ध्यान रखें।
जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको अवेलेबल करवाता हूँ डेली, जो हमारे इंस्टाग्राम चैनल है वहाँ पे 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, वहाँ पे स्टोरी लगती है, वहाँ पे आप देखेंगे 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, तो ध्यान रखें। ये था BSTC का सिलेबस, इसको आपको इस हिसाब से समझना है। कौन सा सब्जेक्ट है वो पढ़ाई सब करेंगे, सारे सब्जेक्ट सभी देखेंगे, ऐसा नहीं है कि कोई सब्जेक्ट नहीं देखा, कोई छोड़ देगा कि भाई मेरे को जीके नहीं पढ़ना, मेरे को ऐसा रीजनिंग नहीं पढ़ना, सभी पढ़ेंगे, लेकिन कौन से सब्जेक्ट को आप ज़्यादा समय देंगे जिससे आपके कवर हो जाए। अब ऐसा नहीं है कि वहाँ पे 300 नंबर आ रहे हैं BSTC में, फिर आप सोच रहे हैं कि मेरे को कॉलेज मिल जाए, तो 300 में बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। कोशिश करें 400 के आसपास नंबर लाने की, 400 से ऊपर नंबर आएंगे और श्योरिटी हो जाता है, तो ध्यान रखें। इस हिसाब से आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन आपका होना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड को ज़्यादा समय दीजिए, हिंदी इंग्लिश को थोड़ा कम कीजिए, जीके को थोड़ा डेली डेली रूटीन में रखिए, क्योंकि फिक्स नहीं है लेकिन इसको कंटिन्यूटी में रखेंगे, करंट जीके पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा क्वेश्चन किस हिसाब से बन रहा है। और जीके में एक चीज़ ध्यान रखेंगे, BSTC के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं आप पढ़ दें, उसमें जीके के क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं काफ़ी बार, तो ध्यान रखें। BSTC में आपको पास होना है, सीट पक्की हो जाएगी, कन्फर्म है, आपके 450 से ऊपर नंबर आ रहे हैं, तो आपके लिए BSTC बेस्ट है। आने वाले समय में BSTC से रिलेटेड और भी वीडियो आपको चाहिए तो इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल कठपुतली एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, तो बेल आइकन प्रेस करें। और एक जरूरी चीज़ मैंने आपको बताई दी है कि आने वाले समय में जैसे ही फॉरम शुरू होंगे, आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स पर, चाहे आपका टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर तो मैं क्लासेस देने वाला हूँ, आपको सारे क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा टीचिंग एप्टीट्यूड के, क्योंकि इसमें काफ़ी गाइड में कन्फ्यूजन भी रहता है कौन सा क्वेश्चन सही है कौन सा नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर में जो क्वेश्चन आए थे और उनको कौन सा सही माना गया, उन सभी को लेकर हम यहाँ पे सीरीज शुरू करेंगे, जो आपकी प्लेलिस्ट अलग से मिल जाएगी BSTC को लेकर। तो ध्यान रखें, आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो मिले इसके लिए यूट्यूब चैनल कठपुतली एजुकेशन सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।